नमस्कार, कल्पना चुबे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं खट्टा चावल बना रही हूँ। खट्टा चावल बनाने के लिए ये 50 ग्राम इमली है, इसमें एक गिलास गर्म पानी डाल देती हूँ। अब आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। आधे घंटे में इमली सॉफ्ट हो गई है, अब इसका पल्प निकाल लूँगी। पल्प निकाल लिया इमली का। अब कुछ मसाले तैयार कर लेती हूँ। कढ़ाही गर्म हो गई है, अब 2 चम्मच ऑयल डाल दे रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, पहले मूँगफली फ्राई कर लेती हूँ। मूंगफली फ्राई हो गई है, अब ऑयल में 1/2 चम्मच राई डाल दे रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्च ऐसे कटी हुई, 2 लाल मिर्च सूखी हुई, कढ़ी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल, 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, 1/2 छोटी चम्मच हींग। कलर इसका ब्राउन हो गया, अब इमली का पल्प डाल दे रही हूँ। इमली को गाढ़ा होने तक पका लूँगी। इसका फ्लेम थोड़ा मीडियम कर देती हूँ। हल्दी डालना भूल गई थी, थोड़ी हल्दी डाल दे रही हूँ। ये खट्टा चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। रात के बचे हुए चावल का भी बना सकते हैं खट्टा चावल। अब ये गाढ़ा हो रहा है, हो जाएगा थोड़ी देर में। खट्टा चावल पुराने चावल का ही ज़्यादा अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है। ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें नमक डाल दे रही हूँ। मूंगफली भी डाल देती हूँ, हरे धनिया की पत्ती भी डाल देती हूँ। मिक्स कर दे रही हूँ, अब गैस ऑफ कर देती हूँ। अब इसमें ये चावल मिक्स कर दूँगी। खट्टा चावल तैयार हो गया है। ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है। इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रात के बचे हुए चावल को भी इस तरीके से बना सकते हैं। 300 ग्राम चावल में 50 ग्राम इमली डाली हूँ। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।